ये देखिए 160 रुपये में जिंदा रेहू, बहुत ही गजब की। ये एक कांटे की होती है ना भाई, एक कांटे की। अच्छा, और इसका क्या रेट है भाई? और ये बड़ा रोहू है, ये देखिए आपको 200 रुपये मिल जाएगा। आपको ये देखिए जूम करके दिखाते हैं पहले, ये आपको 200 रुपये में मिल जाएगा यहाँ पे डालीगंज फिश मार्केट। तो आप आइए, ये देखिए रूपचंदा फिश 160 रुपये केजी। ये देखिए कितनी भारी है भाई, ये दो तीन दो ढाई किलो की होगी, कम की है? हाँ, डेढ़ पौने दो किलो की। एक कांटे की है ना ये है? ये देखिए इसमें, ये आदमियों के जैसे, इंसानों के जैसे इसमें दांत हैं। देखिए कितने खतरनाक। तो चलिए किसी दिन ट्राई करते हैं इसको। ये कौन सी है? चिलवा। ये चिलवा फिश 160 रुपये के जी है, और ये सब ताजी मछली आपको मिलेगी यहाँ पे डालीगंज फिश मार्केट में नदी की। भाई मेरी तरफ बोलते हैं इसको जलेबी, तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है फिश। इसको हम खाए हैं पर्सनली, तो हम बता रहे हैं कि ये फिश बड़ी लाजवाब होती है। ये देखिए ये है भैया बाटा फिश। ये देखिए ये क्या हिसाब है, क्या हिसाब है? 80 रुपये के आधा किलो ये मिल जाएगी आपको। ये सेम है ना? सो हेलो दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज संडे का दिन है, आज जाएंगे हम डालीगंज मार्केट, फिश मार्केट है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ पे बहुत सारी मछली मिल जाएंगी, देसी भी मिल जाएंगी, जो पाले जाते हैं वो भी मिल जाएंगी। वहाँ जाके फिर पता करते हैं रेट और आपको बताते हैं, आप लोग विज़िट करिएगा। मिलते हैं फिर आगे। ये देखिए मेरी गाड़ी, ये अपनी गाड़ी है, इसको रेडी कर लिए, चलते हैं, बैठते हैं फिर चलते हैं। गाइस देखिए हम आ चुके हैं अभी मोहन मकिन के पास, और यही मेरे पास में कॉलेज है, चलिए आपको कॉलेज भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये सब अभी कुछ नहीं बना था, ये सब बन गया इधर, इधर भी बहुत अच्छे से काम चल रहा है प्रॉपर। ये देखिए, कभी आके यहाँ हम चाय पिए थे, वो दुकान भी हट गई, यहाँ चाय पिए थे। आगे चलते हैं। और ये देखिए, ये हमारा कॉलेज आ गया है, ये कॉलेज है मुमताज। अभी वापसी में आएंगे तो यहाँ से मिलेंगे हम। अभी चलते हैं मछली मंडी। वो वाली गली है, तो वहाँ से अभी हमको जाना है इस वाली गली से अंदर, और अंदर यहाँ पे ये डालीगंज मछली मंडी है, ये वाली गली है। चलते हैं हम अभी डालीगंज मछली मंडी और देखते हैं हम फिश प्राइस पूछेंगे, बताएंगे एरिया, आपको बता देंगे किस एरिया में हम आए हैं। और डालीगंज तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं नदी वाली रोड पर जिंदा मछली मिलती है, और लोग मुस्कुरा इतना रहे कि पूछिए नहीं, जिंदा मछली मिलती है। हाँ, ये देखिए मछली मंडी आ गए हम। पहले इसको गाड़ी को प्रॉपर रोक देते हैं। ये देखिए मछली मंडी है, बहुत ही गजब की। चलिए आओ आओ आओ। ये देखिए फिश, ये फिश देखिए भाई, वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यही मछली का, ये क्या हिसाब है? ये अली 140। ये कौन सी है? लाओ भैया देखिए, ये देखिए रोहू फिश 140 रुपये में है। ये पीस देखिए छोटे से अभी है 140। इधर देखिए अभी पूरा एक कांटे की मछली होती है, और ये आपको मिल जाएगी। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। और ये देखिए
अंकल ये कौन सी मछली है? बाटा है। ये है भैया बाटा फिश। ये देखिए, ये क्या हिसाब है, क्या हिसाब है? 80 रुपए के आधा किलो ये मिल जाएगी आपको। ये सेम है ना? ओके, ये रेवी फिश है। इसका क्या प्राइस है? 250। इसके रेट फिर ज़्यादा होंगे ये जितना। अरे आप लेना हो ठीक है। सो चलते हैं भैया आगे। ये देखिए सेम प्राइस। और इधर देखिए क्या रेट है भाई? 160। ये देखिए 160 रुपये में जिंदा रेहू। बहुत ही गजब की। ये एक कांटे की होती है ना भाई? एक कांटे की। अच्छा, और इसका क्या रेट है भाई? और ये बड़ा रोहू है, ये देखिए आपको 200 रुपये मिल जाएगा। आपको ये देखिए जूम करके दिखाते हैं पहले। ये आपको 200 रुपये में मिल जाएगा यहाँ पे डालीगंज फिश मार्केट। तो आप आइए। ये देखिए तो चलिए आगे देख लेते हैं। और बड़ा अंधेरा है ना यार। और भाई बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं अभी। ये आली, ये कौन सी है भाई? 160 रुपये में थोड़ा पकड़ सकते हैं भाई? कौन सी है भाई ये? रूपचंदा। रूपचंदा देखिए भाई, रूपचंदा फिश 160 रुपये केजी। ये देखिए कितनी भारी है भाई। ये दो ढाई किलो की होगी, कम की है? हाँ, 1.5-2 किलो की। एक कांटे की है ना ये? हैं? ये देखिए इसमें, ये आदमियों के जैसे, इंसानों के जैसे इसमें दांत हैं। देखिए कितने खतरनाक। तो चलिए किसी दिन ट्राई करते हैं इसको। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, बैकरा, बैकर। ये बैकर फिश है। ओ चलिए, ये बैकर फिश है। 150 रुपये के जी। सो देखते हैं। 140 भाई, क्या हिसाब? ये 120 रुपये किलो। ये रेहू है ना? रेहू, ये 120 रुपये किलो रेहू है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं यहाँ पे आके। ये देखिए जिंदे के रेट अलग है, ये जिंदे के रेट अलग है, और जो मर चुके हैं उसके रेट अलग हैं। ये देखिए जिंदा रेहू, इसके क्या रेट है जिंदे वाले? 140 रुपये में। तो अरे रुक जाओ थोड़ा, पूरी मार्केट का तो बना ले। और इसको भाई मेरी तरफ बोलते हैं इसको जलेबी। तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है फिश। इसको हम खाए हैं पर्सनली, तो हम बता रहे हैं कि ये फिश बड़ी लाजवाब होती है। ये देखिए बहुत ही गजब की फिश होती है भाई ये। और ये रहा मैंगूर। और भाई बना ली वीडियो, कोई दिक्कत हैं? इसकी ना बनाएंगे ना, ये बहन इसे बाकी। ये कितने में भाई? 150 रुपये में ना। ये देखिए हमारे भाई फिश कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए पीसेस आप अपने हिसाब से इसमें कटवा कर रखवा सकते हैं। तो यहाँ आइए, आप बनवाइए, लीजिए और बनवाइए, गजब का। भाई आपका नाम क्या है? ये मार्केट बंद तो नहीं रहती है? किस दिन बंद रहती है मार्केट? किस दिन बंद रहती है? हैं?
सही कोई बता नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, और ये फिर आ गए भाई के वहाँ से, हम मछली ले जा चुके हैं कई बार। भैया छोटी वाली क्या रेट है? 40 का आधा किलो। 40 का आधा किलो। ये कौन सी? ये सहरी। देखिए भैया सहरी फिश छोटी वाली, जो गांव से रिलेटेड है वो भाई बहुत खाते हैं ये छोटी वाली। ये बड़ी वाली है बड़े भाई। ये बड़ी वाली है, इसके क्या रेट है भाई आपकी? 100 रुपए के? 250 ग्राम। ओके 400 रुपए के जी, बहुत बढ़िया। 100 रुपए किलो ये? 100 रुपए किलो। बना लेते हैं भाई वीडियो थोड़ा, इसके बाद 60 रुपया किलो। 60? ये कितने में? 160 रुपए किलो। ये रेहू है ना? हाँ रेहू। अच्छा, और यहाँ पे देखिए छिल रहे हैं, हो गया। तो भैया आगे चलते हैं, पहले देखते हैं। भैया क्या रेट है इसका? 60 रुपये पाव। ये कौन सी है? चिलवा। ये चिलवा फिश 160 रुपये के जी है, ताजी होगी। और ये सब ताजी मछली आपको मिलेगी यहाँ पे डालीगंज फिश मार्केट में, नदी की। और ये हमारे भाई बेचते हैं। आप ये मार्केट बंद कब होती, मतलब किस दिन होती है? कोई दिन है, परमानेंट है। चलिए आपके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है कि जब आप आएंगे हफ्ते में कोई भी दिन आइए आपको मछली मिलेगी। और ये देखिए और यहाँ से वीडियो तो बना ही ले जा सकते हैं। वीडियो बनाने किस को तो दिक्कत हो रही है तो नहीं बनाए, और बाकी तो बहुत सपोर्ट किए हैं। सो अब आ चुके हैं बाहर। हाँ तो कस्टमर अब आएंगे, ये वीडियो डालेंगे तब आएंगे देखेंगे। सो जिन भाइयों को लेना हो तो वो डालीगंज फिश मार्केट आए, बहुत ही फेमस मार्केट है भाई। आप कोई भी मछली हो यहाँ पे मिल जाएगी आराम से, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सो फाइनली मार्केट घूम घाम के अब चले आए घर, और घर आने के बाद देखिए जहाँ से बना शुरू किया था वहीं आ गए हैं अपने घर के गेट के सामने। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात और, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जो आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आता रहे। सो मिलते हैं।